Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. So guys, once again, एक बार फिर हम लोग आ गए हैं संजरी गोट फार्म महापोली भिवंडी वाड़ा रोड पर. माशाल्लाह, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा जम्मू भाई मुझे पिपाड़ में टकराए थे और वहीं की हम लोग ने सोचे थे कि कड़ी कंटिन्यू करेंगे. सो लास्ट टाइम मैं आया था जब ये बकरे आए ही थे सफ़र की थकान में थे, लेकिन आज ये बकरे माशाल्लाह अपनी रंगत पर आ चुके हैं और आप अपने आँखों से देख सकते हो माशाल्लाह सारे बकरे सेट है. ठीक है, सो आइए हम लोग बात करेंगे जम्मू भाई से और जानेंगे इन बकरों की डिटेल्स वगैरह और क्या प्राइस वगैरह ये कोट कर रहे हैं. ये 2023 के सीज़न के लिए लॉट है, कोई यहाँ पे लेकर पलाई पे रख सकता है, कोई यहाँ से ले भी जा सकता है. जो भी है सारी चीज़ें बात करेंगे जम्मू भाई से. अस्सलाम वालेकुम भाई. तो भाई माशाल्लाह हो गए अपने बकरे सारे तैयार? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गए हैं. क्या बात है. और कितने दिन लग गए जम्मू भाई बकरों को यहाँ पे ला के सेट करने में? अपने को तो 10 से 12 दिन हो गया भाई. हाँ हाँ, सेट हो गए तो 4-5 दिन ही, लेकिन अपन मुतमइन नहीं हुए थे कि एकदम ओके हो जाए, कस्टमर को कोई चीज की हैरानी ना हो. इसके लिए वैक्सीन वगैरह सब अपन करके दवा वा करके एकदम फिट कर दिया अभी बकरे. माशाल्लाह, अब वीडियो बना के सोच रहे सेल करेंगे. सही है. सो माशाल्लाह कितने बकरे लाए थे अपन ने जम्मू भाई? ये भाई अभी इसमें अपन ने लाए थे कोई 110 बकरे लाए थे. हाँ हाँ, कुछ बकरे इसमें से अभी सेल हुए हैं. हाँ हाँ, इसी सेट करने के कोई भी कस्टमर आता है तो चलो ये हाँ, मेरे को दे दो वो दे दो ऐसे करके एक दो करके ऐसे बकरे अपन ने कुछ सेल किए माशाल्लाह. अभी ये एक लॉट अपन ने बाहर निकाले, लॉट अंदर है वो भी इंशाल्लाह निकालेंगे अपन बाहर. सही है. तो ये लॉट जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये क्या पट्टी का लॉट है जम्मू भाई? ये अभी पट्टी का तो 50 की पट्टी का लॉट है. इसके अंदर 40 किलो के, 45 किलो के, 50 किलो के, 55 किलो के सारे बकरे हैं. तो एक इसकी एवरेज पट्टी क्या बैठेगी? एवरेज पट्टी 50 किलो की बैठेगी. 50 किलो की बैठेगी. ओहो हो हो, माशाल्लाह क्या बात है, वाह बेहतरीन माशाल्लाह. ये देखे क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये पूरे 50 नग अभी अपन ने निकाले बाहर. अभी 50 नग अभी बाहर निकाले. बहुत अच्छे. बाकी और बकरे अपने हैं वो भी अलग अलग क्वालिटी अलग वेट के है. तो अभी आपने जो बकरे वहाँ से लाए थे सबको आपने सेक्रिकेट कर लिए? जी हाँ. अभी बहुत अच्छे. तो इसमें लगभग सारे अदंत ही होंगे जम्मू भाई? टोटली अदंत है भाई. अभी 10 से 12 महीने के बच्चे है और 14 महीने में तो दांत करेंगे ये. जब तक के तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े और वेट भी आ जाएंगे, 10-10 5-5 किलो वेट आ जाएगा इनका और इंशाल्लाह. तो 55-60 पे सब आ जाएंगे इंशाल्लाह. ओह माशाल्लाह. और वैक्सीन वगैरह कौन सी दे दी है इनको? सब टोटल वैक्सीन हो गई है, खाली अभी पीपीआर बाकी है भाई. वो बस कुछ ये 15-20 दिन में पीपीआर भी मार दूंगा. ओके. लास्ट वैक्सीन बची है तो उसके बाद बाकी डी वार्मिंग वगैरह वो तो चलते रहता है, कभी भी करेंगे. सही है. तो जम्मो भाई इसमें जिस जिनके जैसे अपने लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि जिनके कान पे टैग लगे हैं वो बकरे सोल्ड आउट हो चुके हैं. सो वो बकरों का तो है ही नहीं कुछ इसके अंदर, वो तो सोल्ड आउट हो चुके हैं. और बाकी जो बकरे हैं पूरे 50 बकरे हैं, पूरा झुंड है ये. तो मैं कस्टमर से कहूँगा, मेरे व्यूवर्स से कहूँगा कि यहाँ पर आए देखे एक एक बकरा अपने आप में नगीना है माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चे हैं. और माशाल्लाह आप देख ही सकते हो अपनी आँखों से, देखे बकरे कैसे उछल कूद कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई क्लाइमेट में एकदम फर्स्ट क्लास सेट हो चुके खाने वाना, मतलब जो इनकी डाइट वगैरह सारी चीज़ें सेट हो चुकी. जम्मू भाई जो वहाँ से अपन लाते हैं जानवर, तो यहाँ पे क्या क्या तकलीफें आती है जरा हम लोग को एक्सप्लेन कीजिए ना लोगों को. तकलीफ तो बहुत ज़्यादा आती है. बकरा आता है तो पहली बात तो वहाँ से जब ट्रैवल पे आता है बकरा बहुत थका रहता है. थकने के बावजूद भी वो बकरा है ना अभी बुखार में चढ़ जाता है. अभी बुखार में आने बाद वो निमोनिया वगैरह पकड़ लेता है. उसमें बहुत हैरानी, बहुत सी दिक्कत आती है सामने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरे ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को दिखाए, थकान दिखाए. 3 दिन इन लोग को रेस्ट दिया हूँ, आराम दिया हूँ, बहुत मजबूत अच्छे से आराम आराम करके अब जाके इसकी वैक्सीन वैक्सीन करके मैं एकदम सेट हो गए बकरे अल्हम्दुलिल्लाह. आप देख रहे हो कैसा उछल कूद मचा है. कोई बकरा तुमको कोई भी बकरा ऐसा नहीं बोल सकते कि नरम गरम चल रहा है. सब और सब एकदम फिट है और सब एक लेवल के बकरे है. मतलब इसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं दिख रहा. आपने ऐसा कुछ सेक्रिकेट किए हो या परचेसिंग ही वहाँ से ऐसे किए हो? परचेसिंग ही ऐसे किया था समीर भाई. असल में मैं बहुत देख दाख के करता हूँ. मैं अगर कोई पूरा लॉट भी लेता हूँ तो उसमें जो मेरे को पट्टा नहीं है कि बकरा नहीं बनेगा, ये बकरा रुकेगा, तो मैं वो बकरा हटा ही देता हूँ.
ओके और मैं छाड़ के भले 50 बकरे वहाँ पर है तो पूरा लॉट देता है तो लॉट मैं बल्कि नहीं लेता हूँ, भले 1,000 पाउंड तो ज्यादा देता हूँ लेकिन बकरा तैयारी पे लास्ट टाइम 2,000-4,000 पे अच्छे से अच्छा बने वो बकरा मैं परचेस करता हूँ। ठीक है, सो ये पूरा अदन लॉट है, ठीक है, और क्या वजन की पट्टी आपने बताया जम्मू भाई? भाई ये अभी तो 50 की पट्टी आपको बन जाएंगे पूरी टोटल में और इसमें है ना 45, 40, 55 ये 50 ये 4 kg के बकरे है। अच्छा 40, 45, 50, 55 तो अपन 50 का ही एवरेज पकड़े क्या? एवरेज 50 का ही और ये पूरे नग भी 50 है। हाँ, ये नग भी 50 है, ठीक है, आसपास 50 के है। इसमें तो कुछ इक्का दुक्का है जो बकरे जो लेबल लगा है वो सेल हो गए हैं और खोटी पे भी अपने आए, इनकी वैक्सीन वगैरह जो लास्ट वैक्सीन है वो बची है वो लगेगी और ये साल भर अपने आ रहेगा। अगर किसी भाई किसी कस्टमर को अगर लगता है कि मेरे पास 15 दिन के बाद या महीने भर के बाद वैक्सीन लगेंगे, अगर वो चाहता है तो वैक्सीन करवा के ले जा सकता है या फिर मेरे यहाँ खोटी पे रखता है तो उसकी भी सुविधा अवेलेबल है। अवेलेबल है। अपन ये बकरे अगर पलाई पे लेंगे तो क्या रेट लेंगे पलाई पर? भाई पलाई का भी ये बकरे लेंगा, मेरे पास है ना 40 किलो के बकरे अगर या मेरे यहाँ के हो या बाहर के हो तो 2,500 रूपए, 40 किलो के ऊपर का बकरा रहेगा ना तो 2,500 रूपए है और 40 के नीचे है तो 2,000 रूपए। 40 के ऊपर 2,500 और 40 के नीचे 2, बहुत अच्छे। लास्ट टाइम जो लास्ट महीना रहेगा वो कस्टमर के लिए छूट है, फिर ये मेरी तरफ से ईद का ईद वाला महीना, ईद का जो महीना रहेगा वो कस्टमर को मेरी तरफ से और समीर भाई माशाल्लाह ये स्कीम दे दिया तुमने अच्छा ना का माशाल्लाह कस्टमर के लिए छूट रहेगा, बहुत अच्छे। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, ईद के टाइम का जो लास्ट महीना रहेगा जो ईद का महीना होगा उसमें फ्री पलाई रहने वाली है। अब हम लोग इनके रेट्स की बात करेंगे जम्मू भाई, क्या रेट्स वगैरह हम लोग कोट कर रहे हैं इनके? तो इसमें से जो भी अगर समीर भाई अगर 40 किलो का बच्चा है जो कम है हल्का है तो वो बच्चे का अपना है ना 20,000 रूपए से स्टार्टिंग रेट है। हाँ हाँ, अब 25,000 तक अपना रेट रहेगा, मतलब ये पूरी पट्टी 20 से 25,000 तक के रेंज में है। भाई कोई पूरी पट्टी लेता है तो उनको 20-22,000 रूपए पट्टी लगा के दे दूंगा। ओके ओके, एक दो दो नग लेंगे ना तो कम ज्यादा वेट में है बकरे तो उनका 20,000 रूपए से लेके 25,000 तक है, कोई 21,000 का, कोई 21,500 का है, कोई 20,500 का, ऐसा रेट है इनका। ओके, कम ज्यादा जो वेट रहेगा। और एक बकरा आपको दिखाता हूँ समीर भाई, ये देखो इसको दिल वनीला है इसके सीने में। अबलक जी माशाल्लाह, ये थोड़ा घूम जाए तो दिखने में आ जाएगा। आओ, अभी असल में एक भी अपन पकड़ के इसमें से दिखा भी नहीं सकते। हाँ, ये बच्चे की बात कर रहे हो ना आप? ठीक है, तो ये एक बच्चे का प्रिंट वैसा आ गया, दिल बना हुआ। बकरे सारे खस्सी कर दिए अपन ने? सब टोटली खस्सी है, सबका पैदाइशी खस्सी है समीर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और ऐसा नहीं कि अभी अपन लाए और पंच करें। हाँ हाँ, इसमें से इक्का दुक्का बकरे जो इधर उधर से अगर मैं कोई लिया आऊंगा तो वो बकरे सिलेक्टेड बकरे जो है वो अंडू रह गए होंगे, उसको पंचिंग करूंगा एक आध दो महीने के बाद करूंगा। ठीक है, अगर कस्टमर का रहा, कस्टमर बोलेगा नहीं मेरे को 15 दिन में करके दो, 10 दिन में करके दो, तो बकरे तो सेट हो गए, करने में कुछ नहीं, मैं अभी करके भी दे दूंगा। बहुत अच्छे, ठीक है, तो ये नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर जम्मू भाई का दे दूंगा, नूर भाई का भी दे दूंगा, आप लोग इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। संजय जी गोट फार्म भिवंडी वाड़ा रोड महापोली में है, महापोली से पहले है एग्जैक्ट देखा जाए तो, लेकिन भिवंडी वाड़ा रोड पर है ये, ठीक है, नियर मधु मंजुला होटल के पास, मधु मंजुला होटल के जस्ट सामने, जस्ट सामने है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आए, अपनी पसंद का बकरा इसमें से चूज करें और उसके बाद अगर बकरा आपको पलाई पे रखना है तो रख भी सकते हैं या फिर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन पलाई पर अगर यहाँ रखेंगे तो बकरा आप ही का तैयार होगा क्योंकि ये यहाँ सेट हो चुका है, दूसरी जगह जाएगा फिर उसके पीछे उतनी ही मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, तो वो हिसाब से अगर मतलब मैं हर एक बार बोलता हूँ कि बकरा जहाँ है जिधर पलाई पर है उधर ही रहने दे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज करता हूँ गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।